नमस्कार, आओ रायता फैलाई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं भारत के बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध शायर जिनका नाम है तोसुफो मुरादो। आइए मिलते हैं, जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे शो में, आओ रायता फैलाई में। जी बताइए, आप कैसे हैं? एकदम बेफिक्री, जो मेरी मेरे दिल से पूछो। आपकी अभी क्या कर रहे हैं आप? अपने गुटखा खा रखा है मुंह में? वो भी सस्ता वाला, सस्ता वाला गुटखा खा रखा है आपको? आप एक बहुत बड़े शायर हैं और आप गुटखा खाते हैं, आपके पता है आपकी छवि पे से क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके फैंस इसके बारे में क्या सोचेंगे? ये क्या कर रहे हैं आपकी शर्ट किस तरह का? ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ पीछे नहीं है। बात कीजिए, थूक आ रहा है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये आप ही ने लिखी है तो? ये प्यासा मूवी का गीत है, साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है। अच्छा जी, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? मुंह से पिक थूक रहे हैं? क्यों? तो ये शो चल रहा है, आप मेरी हवादिशे ना पूछो मुझसे, मेरे वज्र पूछो। मेरी हवादिशे ना पूछो मुझसे, आप थोड़ा पीछे ना, हवादिशे ना पूछो, थूक आ रहा है, पीछे से बात कीजिए थोड़ा सा। मेरी हवादिशे ना पूछो मुझसे, मेरे हुस्न ना पूछो, मेरे वजालत ना पूछो, मेरे रस्म रहित ना पूछो। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसका मतलब मुझे पता नहीं क्या है, और आप इसका मतलब समझा दीजिए क्या है। मतलब मुझे भी नहीं पता, मेरी थोड़ी है। तो अखबार में देखी थी मैंने कल। आप खुद कविता लिखते भी हैं या नहीं लिखते? लिखते, सुनाता हूं। एक प्रेमी के दिल का दर्द मैंने लिखा है। बताइए क्या लिखा है आपने? उसकी प्रेमिता बहुत दिनों तक नहीं आई, प्रेमी नाराज, तो प्रेमी ने लिखा कि पहले तो मैं बहुत तड़पा। दर्द देख रहे हैं प्रेमी कि पहले तो, वाह वाह क्या बात है, पहले तो मैं बहुत तड़पा, बहुत ही खूब, पहले तो मैं बहुत तड़पा। वाह 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 वाह, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? तो मैं बहुत तड़पा। क्या कर रहे हैं आप? बहुत गंदे हैं आप, थोड़ा पीछे होके बात कीजिए। सुनो सुनो बेटा, अरे पहले तो मैं बहुत तड़पा, आप क्यों मुझको रुलाने आई हो? क्या बात है, क्या बात है, बहुत दर्द, क्या बात है, वाह। पहले तो मैं बहुत तड़पा, आप क्यों मुझको रुलाने आई हो? और पहले तो तुम आई नहीं, अब क्या माचुदाने आई हो? किस तरह की बातें कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं आप ये शो में, लाइव शो में? आपको तमीज है किस तरह से शो में बात करते हैं? देखो ये मेरी है ओरिजिनल, मैंने लिखी है, कल लिखी थी। अब ये क्या अश्लील बातें कर रहे हैं यहाँ पे शो में चल रहा है? क्योंकि अश्लील नहीं है बेटा ये। मैं आपसे दूसरे सवाल पूछता हूँ, आप छोड़िए इसे, आप छोड़िए। आप देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना बहुत फैल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब देश मेरा सोता है, मेरे घर में कोई रोता है। वाह क्या बात है, ये क्या कर रहे हैं? क्या होता है मतलब दर्द? दर्द तो दर्द, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। जब देश में मेरा सोता है तो घर में मेरे रोता है। क्या बात है, वाह आगे। मेरा कुत्ता मुझ पे भौंकता है और चिड़िया का बाप रोता है, ये भी मैंने लिखा है, कल गार्डन में बैठा था, लिख दिया। कैसे अजीब शायरियां लिखते हैं आप, ये कोई शायरी है? वाह वाह वाह, बड़ी गहरी है। बड़ा पानी पिलाओ। जी पानी आपको मिल जाएगा। जी आप कोरोना के बारे में बताइए कुछ, किस तरह से पानी पी रहे हैं? पूरा पानी नीचे गिर रहा है आप। कोरोना के बारे में कुछ बताइए आप, देश को क्या बोलना चाहेंगे, देश के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कोरोना बहुत फैल रहा है, इसके लिए देखो, मेहनते कश हूँ मैं, मेहनतों का नगर हूँ। मेहनते कश हूँ मैं, मेहनतों का नगर हूँ। मेहनतों का है मुझ में फोसड़ा। मतलब फोसड़ा का मतलब होता है गुर्दा, जिल्लतें। अच्छा, मेहनत कश हूँ मैं, मेहनतों का नगर हूँ, और मेहनत का है मुझमें फोसड़ा। मैं कोरोना हूँ और यूं ही फैलूंगा तुम्हारी माँ का भोसड़ा। अरे
अब गाली पे गाली दिए जा रहे हैं लाइव शो में। देखो कोरोना कह रहा है ये बात, मैं नहीं कह रहा, मैंने लिखा है। तुम पूछ रहे थे कि आपने क्या लिखा है, ये लिखा है। बड़े अजीब ही शायर। अरे क्या, किस तरह के आदमी हैं आप? आह देखो, थूकने में और मूतने में जो आराम है, आह क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं, खैनी खाते हैं आप? आप इतने बड़े शायर हैं और आपको सारे गंदे शौक है, आप गालियां बकते हैं और गंदी गंदी शायरियां लिखते हैं। ये दुनिया मुझसे जो पूछे, मेरे आलमों से कहो, मेरे आलमनों की दुनिया की है मूत, तेरे सवालों को सुनकर मेरा बस जी कहता है कि इस दुनिया की माँ की चूत। अरे यार आप किस तरह के, ये शो बंद करना पड़ेगा, आप मेरा शो बंद करवा देंगे आप, प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए, आप अपनी शायरियाँ मत सुनाइए। ये गमों की शायरियाँ हैं। हाँ गम, ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ आपके गम, आप इस तरह की शायरियाँ मत बोलिए, आप अपने बारे में बताइए, आपको आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम चार लोग हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ गालियाँ मत दीजिए। हाँ नहीं देंगे, मेरे घर में हैं चार लोग। ठीक है, और दीवारें एक छत और एक मैं, दो दीवारें एक छत और एक मैं, समझे गहरा कितना गहरा है, आप बहुत ही दुख में और बहुत ही गमगीन हैं। घर पर भी मैंने लिखा है। नहीं सुनना है मुझे, नहीं, नहीं बड़ा प्यारा है, सुनिए। नहीं नहीं नहीं, आप गालियां देंगे, आप रहने दीजिए। मेरी छत पर ना मूतो मेरे साथियों, मेरे छत पे ना मूतो मेरे साथियों, मैं लिख दूंगा कि देखो यहाँ कुत्ता मूत रहा है। गहराई गहराई, यही गहराई है, लेकिन आप बड़े छिछोरे टाइप के शायर हैं। हाँ यही तो मैंने कमाया है मेरे बेटा। देखिए आपसे मिलके और बातें करके मुझे पता चला कि आप तो बहुत ही छिछोरे, बहुत ही चीप टाइप के शायर हैं, बहुत ही गंदे अश्लील शायर हैं, हैं? और लेकिन ओरिजिनल हैं तुम्हारी मुझे तरह ऐसा नहीं पता है। नहीं था कि आप इस तरह के शायर हैं, वरना आपको कभी शो में नहीं बुलाता मैं तो। क्या किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या है यार आप, बड़े अश्लील बड़े गंदे आदमी हैं आप। ठीक है, शो का टाइम जो ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, वैसे तो बनता नहीं है लेकिन शो की फॉर्मेलिटी है, दर्शकों के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखो मैं एक शेर मेरा बोलना चाहूँगा दर्शकों के लिए। जी, उल्फतें कजरतें मोहब्बतें बकायदें लाहतें शोमता, ते शोमतों के पुल पे जो रोता है वो है पांडू, मेरे शो को ना देखो मेरी जिल्लत पे थूको, मैं शायर नहीं हूँ मैं तो हूँ गांडू। अदब। बहुत ही अजीब तरह के शायर थे हमारे साथ, इनसे बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अश्लील एक्सपीरियंस रहा। क्या कैसे आदमी छी।